क्या पानी पीकर जिया जा सकता है? नर्मदा जल का चमत्कार, दादा गुरु का विवादित दावा। मध्य प्रदेश के एक साधु दादा गुरु ने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली हैं। दादा गुरु का दावा है कि वो पिछले 3.5 सालों से सिर्फ नर्मदा नदी के जल पर ही जीवित हैं। ये असंभव सा लगने वाला दावा लोगों में समान रूप से उत्सुकता और संदेह दोनों जगा रहा है। पवित्र नर्मदा जीवनदायिनी नदी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी थी। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है और 1312 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा नदी को भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। नर्मदा नदी बेसाल चट्टानों से होकर बहती है जो स्वाभाविक रूप से फिल्टर का काम करती है। माना जाता है कि इस वजह से नर्मदा का जल स्वच्छ और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। क्या नर्मदा जल जीवन रक्षक हो सकता है? दादा गुरु के दावों की सत्यता का अभी पता लगाना बाकी है। हालांकि ये सच है कि नर्मदा नदी के जल में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। आइए देखें कुछ रोचक तथ्य। स्वाभाविक रूप से फिल्टरित, जैसे कि बताया गया है कि नर्मदा नदी बेसाल चट्टानों से होकर बहती है। ये चट्टाने प्राकृतिक फिल्टर का काम करती है जिससे पानी में मिट्टी और अन्य अशुद्धियां कम हो जाती है। कम प्रदूषण, नर्मदा नदी का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत कम आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। इससे औद्योगिक और मानवीय कचरे का कम मिश्रण होता है जो आमतौर पर अन्य नदियों के जल को प्रदूषित करता है। उच्च ऑक्सीजन स्तर, माना जाता है कि नर्मदा नदी के जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है। ये मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि इससे पानी पीने योग्य बनता है। क्या दादा गुरु के दावों में सच्चाई? ये बताना मुश्किल है कि दादा गुरु का दावा पूरी तरह से सच है या नहीं। केवल नर्मदा जल पीने से सिर्फ 3 साल तक जीवित रहना मानव शरीर के लिए अत्यधिक कठिन माना जाता है। संभव है कि दादा गुरु थोड़ी मात्रा में फल या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हों जिसका वो उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की टीम दादा गुरु के स्वास्थ्य की जाँच करेगी और उनके दावों की सत्यता का पता लगाएगी। जांच में उनके आहार सहित अन्य पहलुओं का भी बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। आगे क्या? दादा गुरु के दावे ने नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता और उसके संभावित स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा को जन्म दिया है। आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग की जांच से इस मामले पर रोशनी पड़ने की उम्मीद है। खबरदार न्यूज इस कहानी पर नजर रखेगा और आपको अपडेट देता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।